दोस्तों आज की वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं स्नैपड्रैगन 720G को मीडियाटेक के हेलियो G90T के साथ में। G90T आपको मिलता है रेडमी नोट 8 प्रो में और रेडमी नोट 9 प्रो में आपको 720G मिलता है, जो दोनों ही फोन है 15,000 से ऊपर आपको मिलते हैं और 20,000 से नीचे मिलते हैं। तो कंपैरिजन दोनों का बनता है और दोनों ही बहुत अच्छे गेमिंग प्रोसेसर हैं, पावरफुल प्रोसेसर है। तो देखते हैं दोनों में से कौन बाजी यहां पर मारने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मेरा नाम है एमके सिंह, आप देख रहे हैं टेक्निकल एमके सिंह यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको टेक वीडियोज मिलती रहती है। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, वीडियो अच्छी लगती है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी सारी वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं इनकी लॉन्च डेट की। तो मीडियाटेक का हेलियो G90T लॉन्च हुआ था हमारा लास्ट ईयर जुलाई में और इस साल जनवरी में लॉन्च हुआ है स्नैपड्रैगन 720G। स्नैपड्रैगन 720G थोड़ा सा लेटेस्ट है। हम बात करते हैं यहाँ पर इनके जो फैब्रिकेशन प्रोसेस यहाँ पर 8 नैनोमीटर पर बना हुआ है 720G, लेकिन 12 नैनोमीटर पर बना हुआ है मीडियाटेक का हेलियो G90T। तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी एफिशिएंटी आपको यहाँ पर 720G मिलने वाला है, थोड़ा सा फास्टेस्ट मिलने वाला है। नैनोमीटर क्या होता है इसके ऊपर हमारी सेपरेट वीडियो है, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर कोर्स की, क्योंकि कोर्स ही है जो किसी भी फोन की परफॉर्मेंस को डिसाइड करती है। तो यहाँ पर दोनों ही हमारे ऑक्टा कोर प्रोसेसर हैं और दोनों में ही आपको 2+6 का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। अगर हम स्नैपड्रैगन 720G की बात करें तो यहाँ पर आपको दो कोर्स मिलती है, क्रायो 465 की जो बेस्ड है A76 पर, आर्म कॉर्टेक्स A76 पर बेस्ड है, जिनकी क्लॉक स्पीड है 2.3 GHz। और बाकी की जो 6 कोर्स है वो एफिशिएंसी कोर्स है, क्रायो 465 सिल्वर मिलती है, ऊपर वाली आपको 65 गोल्ड मिलती थी, क्रायो 465 गोल्ड थी और एक क्रायो 465 सिल्वर है। ये गोल्ड और सिल्वर क्या होते हैं इनके बारे में हमारी सेपरेट वीडियो है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, ऊपर आपको उसका भी आई बटन में लिंक मिल जाएगा। तो ये क्लॉक हो सकती है 1.8 GHz तक। दोनों ही कोर्स हमारे बड़े पावरफुल है, परफॉर्मेंस वाली भी और एफिशिएंसी वाली भी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मीडियाटेक हेलियो G90T की, वहां पर भी आपको दो कोर्स मिलती हैं, कॉर्टेक्स A76 की जो क्लॉक हो सकती है 2.05 GHz तक, और वहां पर जो 6 कोर्स है एफिशिएंसी कोर्स वो मिलती है आपको कॉर्टेक्स A55 की जो क्लॉक हो सकती है 1.8 GHz तक। तो यहां पर अगर हम देखा जाए कॉम्बिनेशन दोनों का सेम सा लग रहा है, A76 A55 क्लॉक स्पीड में थोड़ा सा डिफरेंस है और आप सब जानते हैं कि क्लॉक स्पीड से इतना ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो हम ओवरऑल यही कहेंगे कि जो क्रायो कोर्स है वो थोड़ी सी ज्यादा एनहांस होती हैं, तो थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस आपको क्रायो 465 गोल्ड में देखने को मिल जाएगी, यानी कि स्नैपड्रैगन 720G में आपको थोड़ी सी परफॉर्मेंस बेटर देखने को मिल जाएगी यहाँ पर। अब बात करते हैं GPU की, जो आपकी गेमिंग परफॉर्मेंस को बूस्ट करता है। अगर मीडियाटेक हेलियो G90T की बात करें तो वहां पर आपको मालिका G76 MC4 देखने को मिला है, जिसको पॉइंट्स मिले हुए हैं, सेंचुरियन पॉइंट्स इनको बोलते हैं, 98.4 गेमिंग पॉइंट। अगर हम यहाँ बात करें स्नैपड्रैगन 720G की तो वहां पर आपको एड्रेनो 618 मिला है, जिसको सेंचुरियन पॉइंट मिले हैं 97। तो थोड़ा सा बेटर GPU आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है मीडियाटेक हेलियो G90T का। CPU आपको बेटर मिलता है 720G का और GPU आपको बेटर मिलता है थोड़ा सा G90T का। तो अभी तक तो मुकाबला बहुत ही टक्कर का रहने वाला है और बहुत सारी चीजें हैं जो सेम है। UFS 2.1 स्टोरेज दोनों ही सपोर्ट करते हैं, eMMC 5.1 भी साथ में दोनों सपोर्ट करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर रैम के, दोनों ही हमारे प्रोसेसर जो हैं LPDDR4X रैम सपोर्ट करते हैं, लेकिन फर्क इतना है कि स्नैपड्रैगन 720G अप टू 8GB डुअल चैनल सपोर्ट करता है, लेकिन G90T अप टू 10GB डुअल चैनल सपोर्ट करता है 2133 MHz की फ्रीक्वेंसी के साथ में, लेकिन 720G में आपको सिर्फ 1866 MHz की फ्रीक्वेंसी देखने के लिए मिलती है। अब बात करते हैं कैमरा सपोर्ट की। अगर स्नैपड्रैगन 720G की बात करें तो 192 MP तक स्नैपशॉट ले सकता है, 48 MP तक MFNR कर सकता है, 36 MP को MFNR और ZSL दोनों कर सकता है और 22+22 डुअल कैमरे के सपोर्ट कर सकता है, साथ में आपको 4K वीडियो रिकॉर्ड कर करके दे सकता है। तो ये इसके कैमरा स्पेसिफिकेशन है जो कि काफी अच्छे हैं। अगर हम G90T की बात करें वहां पर भी आपको 192 MP तक का स्नैपशॉट लेकर के दे सकता है, 64 MP तक अप टू एट 22.5 FPS तक सपोर्ट कर सकता है, 48 MP एट 30 FPS सपोर्ट कर सकता है और डुअल कैमरा 24+60 सपोर्ट कर सकता है। तो पूरा ही टक्कर का मुकाबला है यहाँ पर, कैमरा स्पेसिफिकेशन भी लगभग सेम टू सेम है। अब यहाँ पर भी ये 4K वीडियो को करके दे सकता है। अगर हम डिस्प्ले सपोर्ट की बात करें, दोनों ही प्रोसेसर फुल HD+ रेजोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं, काफी अच्छी बात है। अगर डाउनलोड और अपलोड स्पीड की बात करें, दोनों ही 4G प्रोसेसर हैं, दोनों ही आपको 4G कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं और 800 Mbps और 150 Mbps दोनों की डाउनलोड और अपलोडिंग स्पीड है, दोनों ही सेम है। काफी अच्छी बात है कि टक्कर का मुकाबला यहाँ पर होने वाला है। अभी तक किसी भी मुकाबले में कोई सा भी प्रोसेसर पीछे नहीं रहा है, दोनों ने एक दूसरे को कड़ी टक्कर दी है। अब फाइनली बात करते हैं कंक्लूजन की, कंक्लूजन क्या निकल के आता है, दोनों में से कौन जीतता है और कौन हारता है। अब यहाँ बात करें कोर्स की, CPU की, तो स्नैपड्रैगन 720G बेटर है। अगर GPU की बात करें तो यहाँ पर मालिका
G76 बेटर है जो कि हमारा G90T में है। तो यहाँ पर हम मामला टाई कर सकते हैं पूरा ही प्रोसेसर का, और यही बात हमें दिखती है एंटूटू स्कोर में भी, जहाँ पर दोनों का स्कोर 280,000 से 285,000 के बीच में 290,000 के आसपास तक आ जाता है दोनों ही प्रोसेसर का। यहाँ पर थोड़ा डिवाइस टू डिवाइस डिफरेंस हो सकता है, इसके अलावा कोई भी डिफरेंस दोनों ही प्रोसेसर के एंटूटू स्कोर में भी नहीं है। बाकी मेरे ख्याल से स्नैपड्रैगन 720G थोड़ा सा ज्यादा ऑप्टिमाइज है, क्योंकि वहाँ पर आपको क्रायो की कोर्स मिलती है, अलेक्सा नाम बना रखा है स्नैपड्रैगन ने, क्वालकॉम ने। और बात करें अगर यहाँ पर मीडियाटेक की, तो अपनी स्टार्टिंग फेज में है, अभी उभरता हुआ आया है, और G90T उसका बहुत ही क्लियर प्रोसेसर साबित हुआ है जिसने डिवाइस को बहुत मजबूत बना दिया है और गेमिंग बहुत कमाल की करता है। अगर ये G90T अगर आपका 8 नैनोमीटर पे होता तो रियल में यहाँ पर दोनों ही मुकाबला बहुत खतरनाक हो सकता था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, आपके क्या है ओपिनियन नीचे कमेंट करना कि कौन सा प्रोसेसर बेटर है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।